हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राम राम। तो आज है राम जी का प्राण प्रतिष्ठा, जो कि हो गया होगा सो सुबह सुबह। तो अभी मेरा भी पूरा काम खत्म हो गया और मैं भी नहा धोवा के पूजा पाठ सब कर ली हूँ। और रिशु और छुटकी जो है अभी नहाना उन लोगों का बाकी है। पानी गर्म उन लोगों के लिए लगा दिए हैं और तब अभी जाके लोग नहाएंगे। मेरा तो हो गया सारा चीज़, घर का बहुत साफ सफाई सब कुछ हो गया है, पूजा पाठ वगैरह सब हो गया। देख सकते हैं मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। अभी बनाएंगे खाना वगैरह जो भी है आज, खीर पूड़ी गाजर का हलवा जो भी बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे क्योंकि आज बच्चों का भी छुट्टी है। आज स्कूल में छुट्टी दे दिया गया है ताकि घर में अच्छे से सब सेलिब्रेट करें। शाम को हम लोग दिया जलाएंगे और देखते हैं जो भी जैसा करेंगे, जो भी सेलिब्रेट करेंगे आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। और देख सकते हैं रिशु मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। इसका आज स्कूल का छुट्टी है ना, तो आज पूरा परेशान करेगा लगता है। तो बस अब पानी गर्म हो ही गया है, अब जाएगा बच्चा लोग नहाने। तो मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर के बाद। गाजर छील के रख लिए हैं, पालक को भी तोड़ के अच्छे से रख लिए हैं। अब बस यहाँ पे मेरा चना भी फूल गया है। चना का बनाएंगे आज छोला, चना का सब्जी और गाजर का हलवा। पालक है, पालक पनीर बनाएंगे। और सकते हैं कपड़ा वगैरह जो भी है धुल चुका है। धूप भी अच्छा आ गया। सुबह तो इतना ज़्यादा कुहासा था कि लगा कि आज पूरा दिन ऐसा ही रहेगा, लेकिन नहीं, धूप आ गया। अच्छा हुआ धूप आ गया क्योंकि कपड़ा वगैरह जो भी है वो अच्छे से सूख नहीं पाता है। तो मेरा भी पूरा काम हो गया है। अब जा रहे हैं बस अपना खाना बनाने। रॉड निकाल दीजिए। निकाल दे रही हूँ, पहले जैकेट वगैरह खोल दो। तो अब चलते खाना पीना जो भी है बनाएंगे और बस आज का दिन इंजॉय करना है, खुश रहना है, मस्ती करना है क्योंकि आज इतना बड़ा और इतना अच्छा दिन है कि मैं क्या बोलूं। तो साल में पहले एक दिवाली आती थी, अब साल में हमारे दो दो दिवाली आएंगे, है ना। तो बस लाइक बने रहिएगा व्लॉग में। आज मैंने वेयर किया है साड़ी क्योंकि जल्दी साड़ी हम पहनते नहीं है, इसलिए आज सोची कि आज इतना अच्छा दिन है तो इसलिए आज साड़ी ही वेयर किए हैं। पर्पल कलर का बहुत अच्छा लगता है मुझे ये कलर। तो है फ्रेंड्स, अभी आ गए किचन पे और यहाँ पे चढ़ा दिए हैं आलू और चना और यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एक कप चाय बना रहे हैं क्योंकि ठंडा लग रहा है नहाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा भी है। तो एक कप चाय यहाँ पे बन रहा है, उसके बाद बाकी का जो भी खाना है हम बनाएंगे। दूध वगैरह जो भी है यहाँ पे गर्म करके रख लिए हैं और बस अब चना भी बॉयल हो जाएगा तब सब्जी बनाएंगे। यहाँ पे मेरा हीरो बेटा रेड रहा था, रेडी हो गया है। बचपन से ही है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, राम राम। तो अभी छुटकी जो है वो नहा रही है, उसके बाद वो भी रेडी होगी। कहाँ जा सकते? तो फ्रेंड्स गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं एक कप, उसके बाद जाए खाना बनाने का प्रोसेस करें क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है। धूप में बैठ के चाय पियेंगे क्योंकि धूप आ गई है। जाए, जाए। मस्त एकदम धूप देख सकते हैं मेरे किचन में। जाए थोड़ा देर, थोड़ा देर। हे गाइस, तो फाइनली यहाँ पे मेरा बहुत कुछ बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं गाजर का हलवा। रुकिए मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा लगभग गाजर का हलवा बन के तैयार होने ही वाला है। और यहाँ पे है पुआ का घोल, थोड़ा सा पुआ भी बन रहा है। और यहाँ पे मेरा खीर जो है वो बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे पालक पनीर और इसमें है आपका छोला। यहाँ पे कढ़ाई को जो है वो गर्म कर रहे हैं ताकि यहाँ पुआ छान सके। उस तब तक कढ़ाई हमारा ना अच्छा से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम छानेंगे पुआ। और उसके बाद शाम को ये सब बनने के बाद हम थोड़ा सा बनाएंगे पूरी भी। तो लगभग गाजर का हलवा भी हमारा बन गया है और टाइम अभी बज गया, टाइम हो रहा है आपका 3:30 बजता होगा आई थिंक। तो और इतना कुछ आज बना रहे हैं। तो
आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के घर में क्या क्या बना, आप लोग क्या क्या बनाए। तो मेरा तो इतना सारा डिश है, तो बने रहिएगा, जैसा होगा आप लोगों के साथ और आगे शेयर करेंगे। हे गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग शाम का पूजा कर चुके हैं और यहाँ पे भगवान को भोग भी लगा दिए हैं। तो भोग में हम पूड़ी, पुआ, खीर और गाजर का हलवा और चना भोग हम चढ़ाए हैं, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे सारे दिए में हम लोग तेल वगैरह डाल दिए हैं, अब इन सब को हम छत में और सब जगह जलाएंगे, देख सकते हैं। और ये बड़ा वाला दिया जो है इसको ऋषु जलाएगा। तो हम लोग तीनों देख सकते हैं बैठ के पूजा पाठ कर लिए हैं, छुटकी जो है वो रेडी हो गई है, ऋषु भी यहाँ बैठा है, हम लोग तीनों पूजा कर लिए हैं। और अभी सब जगह दिया जलाने के बाद जाएंगे मंदिर, मंदिर में भी एक दिया जलाएंगे। भगवान सबका मंगलमय करे, सब कुछ अच्छा से ये साल भी बीते और हर साल बीते। तो मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर के बाद। हे फ्रेंड्स, तो आ गए हैं छत पे और देख सकते हैं दिया हम लोग जला लिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि दिवाली है। देख सकते हैं हमने भी अपने घर में दिया जला लिया और देख सकते हैं सब जगह लग रहा है ऐसा कि एकदम दीपावली है। देख सकते हैं सब लोग अपने घरों में, फ्लैट में, अपार्टमेंट्स में सब लोग दिया जलाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अनुष्का पूरा रेडी हो गई और वहाँ पे ऋषु दिया लगा रहा है उस साइड, बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं, देख सकते हैं, वाह। तो सब जगह दिया हम लोग जला दिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं सब जगह दिया जला लिए हैं, घर पे भी। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली है। तो अभी जाएंगे हम मंदिर। ऋषु को, ऋषु वो आसन को मोड़ के रख देना प्रणाम करके। हे गाइस, तो फाइनली मंदिर से आ गए हैं और मंदिर से आने के बाद लग गए थे पूड़ी बनाने में, क्योंकि 9 बजिया था और बच्चों को भूख लग गई थी। तो मंदिर में जानते बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा चारों तरफ दिया ही दिया, दिया से जगमग, मतलब क्या बोले, ऐसा तो इतना मज़ा तो दिवाली में भी नहीं आता था जितना मज़ा हम लोगों को इस बार आया। हम लोगों को क्या सब लोग को मज़ा आया होगा इस बार, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी बस हम लोग ऋषु और छुटकी देख सकते हैं खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और हम भी बस, मेरा भी खाना निकल गया है, हम भी बस खाना खाएंगे और ये व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो एक बार फिर से जय श्री राम आप सभी को। तो देखिए आज खाने में बना है पालक पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा, खीर, पुआ, पूड़ी और आलू चने की सब्जी, और ऋषु और छुटकी यहाँ पे खा रहे हैं।